पहले तो अभी सबको नमस्कार, मैं आ गया हूँ गढ़वाल फोन में और मेरा चल चुके पहाड़ी ब्लॉग आप देख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं गढ़वाल फोन में फिर एक और शूट, कल कर रहा था और आज फिर आ गए हैं और आज होने वाला है बर्तवाल फैमिली का। ये तो चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं, उसको शूट करने चलते हैं। और हम चल रहे हैं सबसे टॉप वाली फ्लोर पर जहाँ बर्तवाल फैमिली पूरी कर रही है, आज होली के त्यौहार को मना रही है बहुत शानदार तरीके से। चलते हैं पहले धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और किस प्रकार से होने वाला आज काफ़ी चीज़ कैप्चर करके काफ़ी चीज़ दिखाएंगे। तो मिलते हैं ऊपर, तो यहाँ पहुँच गए हैं किस प्रकार से यहाँ पे तो बर्तवाल फैमिली की तरफ से आज ये मिल रहा है सबको बाहर। सही, यहाँ पहुँचे पड़े नींबू रेस में फर्स्ट आई। अच्छा, नींबू रेस में फर्स्ट आई है, क्या बात है। अभी और कौन कौन सी रेसें होने वाली है? ये भाई साहब भी नींबू रेस में पुरुषों में जो फर्स्ट आए हैं, अनिल बर्तवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो यहाँ सही लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर जो है बर्तवाल फैमिली के अच्छे से। और आज कल चाहते शूट है यहाँ पर, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो हमें यहाँ पर। और आज होली के पक्ष में कार्य किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से लोग आए और इस होली को मनाएं खूब तरह से, क्योंकि कल भी हम यहाँ थे और आज भी हम फिर आ गए। आज हम बर्तवाल फैमिली के साथ हैं तो यहाँ पर हम जैसा पूछेंगे किस प्रकार से कैसा प्रोग्राम है। आइए जैसा, तो मैम ये किस चीज़ का प्रोग्राम है आज मना रहे हैं, आप बता देंगे। होली मिलन मना रहा है क्योंकि हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, तो है उसमें एक ही कार्यक्रम भी है सारे बर्तवाल। उससे पहले हमारा अच्छा खासा प्रोग्राम है, काव्य को पाठ तक हुआ था, उत्तराखंड के कभी आ रखे थे तो चार पाँच कभी हमारे थे, जिसमें जयपाल सिंह रावत जी, प्रदीप खुदेड़ जी और इन लोगों ने काव्य पाठ किया यहाँ पर। उसके पहले हमारे ढोल दमाओं के साथ एक कार्यक्रम हुआ और अभी खेल कूद चल रहे हैं, उसके बाद जो है हम होली थोड़ा खेल के फिर हम खाना शुरू करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आज उत्तराखंड के लिए एक नया चीज़ वो कराया आप लोगों ने कि ये कौन सी फैमिली कर रही है, जो कौन सा संस्था है? बर्तवाल कुटुंब है। अच्छा, बर्तवाल कुटुंब हमारा जो एक कुटुंब है, लेकिन हम जो है लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। साहित्यकार थे वो सारे अलग थे। बिल्कुल सही बात, संस्कृति संस्कार हमारा जो रीति रिवाज है समाज को इकट्ठा करके इसी तरह करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा है आप कर रहे हैं, होली का त्यौहार मना रहे हैं सभी इसी प्रकार से, लोग जुड़ते रहे आप लोगों से और ये परिवार बहुत बड़ा परिवार बने। और आज कम लोग दिख रहे हैं लेकिन अगली बार जब होगा तो यहाँ काफ़ी भीड़ होने वाली है। अच्छा चले, कुछ लोग चले गए, चलो ठीक है, अच्छी बात। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ लग रहा है कि भैया हम उत्तराखंड के होली उत्तराखंड में ही मना रहे हैं, दिल्ली में नहीं लग रहा, उत्तराखंड में ही मना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। अभी काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ आज यहाँ होने वाला है गेम जो चेयर वाला है चलेगा साउंड और करेंगे ये लोग चेयर, आज दिखते हुए कौन विनर्स का होने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी जो मेला है यहाँ पर, आपका शुभ नाम जा सकता हूँ क्या मैं? सुमन बर्तवाल जी हमारे बीच में, आपका शुभ नाम? नीलम बर्तवाल। नीलम आपका जी? किरण बर्तवाल। हाँ नीलम बर्तवाल जी है ना, किरण हो गई। और आप बताइए? बहुत ही अच्छा ब्लॉग आप, क्या बात है, देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप देखते हैं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम जा सकता हूँ मैं? अरे क्या बात है, नीलम नीलम बहुत सारी। आपका शुभ नाम? बीना बर्तवाल जी। माता जी आपका शुभ नाम बता दीजिए, आपका शुभ नाम, आपका नाम क्या है? कमला। टक टका टक कमला, देख लो। हाँ जी, नाम बताइए। रेनू बर्तवाल। रेनू बर्तवाल जी हमारे बीच में। और ये आपका शुभ नाम? शशि। तो आज क्या करने वाले हो? आज करने वाले कंपटीशन, चेयर कंपटीशन, देखते कौन जीतने वाला, आज के विनर कौन होने वाले। यहाँ पर आ गए, देखते किस प्रकार से होने वाले, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और बजने वाला ढोल दमो जब कहा जाएगा रुका जाएगा। और चल रहे हैं, आप कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, ये चेयर प्रतियोगिता चल रही है अभी। किस प्रकार से देखिए लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ये लोग भी रुकेंगे, आज कौन विजेता होने वाला देखेंगे यहाँ पर ना, चीटिंग होने वाली है। ओ शिट, एक जना बाहर हो गए यहाँ पर, आई एम सॉरी। तो आपको बाहर होने का कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। भी एक अच्छे वाली होते हैं, जो जीते सिकंदर, जो हारे वो भी सिकंदर, दोनों चीज सिकंदरी है। चलो ठीक है, ठीक है, बाहर हो गए, चलिए फटाफट पीछे पीछे हो जाएंगे। चेयर भी हटती जा रही है यहाँ पर, जिस प्रकार से देख रहे हैं आप क्वांटिटी कम हो रही है चेयरों की भी, जैसे कि दो दो चेयर यहाँ से हट चुकी है। अरे वाह, यहाँ चेयरों पर देख रहे हैं लेकिन रुक, अरे 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 गई गई भैया, चेयर छूट गई, चेयर छूट गई, चेयर छूट गई। अब यहाँ से चार लोग गायब हुए हैं,
अब देखते हैं विनर होने वाला कौन है, यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से, देखते हैं अभी चल रहा है। पर कुर्सियाँ फिर हटेंगी यहाँ से, दो कुर्सियाँ फिर यहाँ से हट चुकी हैं। अब बच्चे कंपटीशन और तेजी से होता जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं कौन करने वाला है यहाँ पर आज विनर कौन होने वाला है। कुर्सियों का बच्चे को घूमते रहो, ओ दियो की लड़ाई यहाँ पर हुई कुर्सी के पीछे। चलिए फिर जीत हारे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत ही कोशिश थी इनकी। और ये गेम खेलना अच्छी है, होली का पक्ष में खिलाया जा रहा है। अब कुर्सी दो रखी जाए, दो कुर्सी रखी जाए। अब इतने सारे हैं, चार जनों में कंपटीशन है दो कुर्सी का। तो ये वर्तमान कुर्सी में से कौन सी कुर्सी में कौन चाहता है विजेता होने वाला है, चार में से तीन। अरे 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 गई एक कुर्सी गई भैया। बच्चे लोग इधर हट जाइए, बच्चे बच्चे दो कुर्सियां और बचे हैं तीन विनर, देखते हैं इनमें से कौन सा कर पाएगा आज का ये। अब हो गया बहुत डिफिकल्ट इनके पास, हर साल ऐसी होली में खेला जाता है। और जब भी बर्तवाल आता हूँ मैं यही देखता हूँ कि कुछ नया आया देखने को मिलता है, और एक कंपटीशन है बहुत शानदार। लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी ख़त्म हो गई है, ये भी थोड़े से भाग कर रहे हैं कुर्सी के लिए, लगता है कुर्सी लेने के लिए। अरे तो विनर हो गए हैं यहाँ पर एक, अच्छा जी जीतने का कैसा लग रहा है आपको, मतलब लग रहे थे जीतोगे आप, विश्वास ही था लेकिन ऊपर वाले की थी कि जीतना ही है। तो मेहनत और दोनों चीज़ है साथ में, तो थैंक यू सो मच आपका, आज ही आपको इनको मिलने वाला है अवार्ड। तो अभी दिखते भी जो यहाँ पर अभी तक महिलाओं की टीम यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश की थी ना, अब आएंगे पुरुष लोग जो करने वाले यहाँ पर सारे, अब देखते हैं क्या कर पाते हैं पुरुष लोग यहाँ पर। और सारी जो टीम है बर्तवाल टीम आज करने वाली खूब यहाँ पर तुम, और देखते कितने लोग यहाँ पर जुड़े, लगते कम लोग हैं यहाँ पर, संख्या कम है पुरुषों की संख्या कम है। अब घूम रहे हैं यहाँ पर लोग, कुर्सी है यहाँ पर गिनी चुनी, लेकिन पता नहीं एनर्जी थोड़ी एक्टिविटीज नहीं है, स्लोली स्लोली है ये कुर्सी के लिए स्लोली स्लोली चला जा रहा है यहाँ पर कि कौन सी कुर्सी लेने वाले हैं आज। अरे 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 गई भैया दो गए, क्या बात है क्या बात है, छोड़ दी पद छोड़ दिया इन्होंने अपना। चलिए फिर दोबारा नेक्स्ट कुर्सी हटा दी जाए, यहाँ कुर्सी की है लड़ाई, लोग रुक जा रहे हैं ब्रेक मार रहे हैं। तो ये गलत है, ये बात बढ़िया बहुत सुपर सुपर। इस बार भी जीते हो? हाँ तो इस बार भी जीते, तीन लोग तीन कुर्सियां चार लोग, तीन कुर्सी चार लोग, और क्या है होली का कुटुंब परिवार आज हो रहा है यहाँ पर, दो कुर्सी चार लोग, क्या होने वाला वो देखते हैं यहाँ पर कौन से लोग जीतने वाले हैं यहाँ पर, और देखा जाएगा यहाँ पर आज कंपटीशन बहुत टफ है और गतिविधि भी थोड़ी स्लो है, एनर्जी थोड़ी एक्टिविटी खत्म हो गई है क्योंकि यहाँ पर जीतना मेन पसंद है। ओहो ये बढ़िया हो गया बहुत सुपर, अब है दो लोग एक कुर्सी, देखिए किस प्रकार गतिविधि इनकी स्लो है थोड़ी सी क्योंकि तो जीतना जरूरी है कि नहीं, जीतना जरूरी है कि नहीं है, हाँ जीतना जरूरी इसलिए लगे हुए हैं लोग। अरे जीतेंगे, वैसे भी जीत गए, वैसे भी जीत ही गए, तो आज के विनर हैं ये।
तो वैसे ही विनर है, ऐसे ही विनर है, कोई बात नहीं, इस बार मौका अच्छा मिला इनको, इस बार आप छूट गए तो ये बहुत अच्छा है। इस बार के विनर हमारे दो घोषित हो गए यहाँ पर, और दोनों विनरों को यहाँ बुलाया जाएगा और इनको दिया जाएगा आज का। तो अभी हमारे बीच में आ गए हैं और यहाँ पर हो गया दो जज, और जिनको दे रहा गिफ्ट है बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन है। आइए दूसरे विनर आइए, आज देखो कितना अच्छा मौका मिला है। आप सर थोड़ा सा एक मिनट सर, थोड़ा बीच में आइए, पहले बीच में ये दोनों जने पकड़िए। तो ये है इनाम जीतने की खुशी अलग ही है। सर देखिए सर, इधर स्माइल प्लेयर है, इधर नहीं, बहुत अच्छा, सुपर सुपर सुपर, यहाँ मिलना भी है सबको, गिफ्ट मिलना, ध्यान रखिए, ये अब सर का मौका मत छोड़िए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू क्यों नाच रहा यार तुम, नाचोड़ दो आज, हाँ होली मनाओ तुम, बोल बोल ठीक था, हाँ आज होली मना से तुम्हारे फोन लोल सच्चा, हाँ बिल्कुल चपला खेलेंगे बिल्कुल। Thank you.
यहाँ पे लगे हैं आज होली खेलने हैं। यहाँ जो भी लोग आए हैं एंजॉय करना है आज ये होली का जो अवसर पर उन्होंने के प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा रखा है। ऐसी इसी तरह से लोग ज़्यादा संख्या में जुड़े और यहाँ पर इसी का आनंद लें और जिस तरह से त्यौहार मनाया जा रहा है इसी ऐसा त्यौहार हमने कभी नहीं देखा है और आज हम देख रहे हैं इस त्यौहार को। इस फूलों के साथ खेली जा रही है होली और ये उत्तराखंड की नई बात क्या ये नहीं उत्तराखंड की तो क्या है ये उत्तराखंड में छोटे बच्चे भी खेलना है यहाँ पर और बहुत शानदार यहाँ अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि जैसे जैसे सभी लोग यहाँ मिलकर कुछ लोगों के अभी लगता है इधर एंजॉय नहीं कर पा रही। माता जी नमस्कार। चलो आइए आप भी थोड़ा सा होली खेलिए तभी तो मजा आएगा। आइए थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए हाँ कर दीजिए ऐसे कर दीजिए होली खेल दीजिए ऐसे आइए थोड़ा कर दीजिए माता जी आप भी हैप्पी होली बोल दीजिए। हाँ अरे अभी माता जी भी खेलना चाहती है देखो आज क्या कहते हैं आज जो आएगा भैया तो इसी प्रकार देखिए माता जी यहाँ पहुँची है। मैं चाहता हूँ सभी लोगों को अभी यहाँ पर दर्शन कराऊँ और खूब अच्छा यहाँ माहौल बनाए जिस प्रकार से यहाँ लोग आए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर आए एक खुशी का माहौल बन जाता है। तो थैंक यू सो मच आपका भैया इस प्रकार से आप परिवार है सभी कपड़ों यहाँ पर थे। ये हमारी अम्मा पीछे छिपक के बैठी हैं यहाँ पर ये नहीं खेल रही दोनों अम्मा इनको क्यों नहीं खिला रहे हो भैया क्या बात है इनको क्यों छोड़ रखा है यहाँ इनको सर होली खेलो से इनको नहीं छोड़ना है। ये हमारी पूर्वज हमारे वो है जड़ है हमारी ये इनको नहीं छोड़ना है हमारी जड़ों को। तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देखें काफ़ी लोग यहाँ पर बसते हैं। सर कैसे आप कैसे बैठे हैं आप भी खेलिए होली बैठे बैठे सर के ऊपर भी डालो जैसा होली का जरा डाली सर ये आदरा होली ये होली है ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। अरे वाह क्या बात है बैठे बैठे आनंद लो सभी लोग तो यहाँ पर सब पहुँचे यहाँ पर उपस्थित। मैंने कहा कि ना छोड़ यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है इतना प्यारा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर दो दमों के साथ हो रहा है यहाँ पर देखो बिल बाजा बजा जा रहा है यहाँ दमों का हो रहा है यहाँ पर नगर तो यहाँ हो रहा है धूम और मस्ती पूरी मस्ती और लगे पड़े हैं सब बटा के लोग यहाँ पर थैंक यू सो मच। यहाँ पर हो गया कार्य अब अभी करते हैं अभी हमारे यहाँ सर हैं जो उत्तराखंड के नाम से हमारे यहाँ पर आए हैं आज हमें होली के त्यौहार में कुछ हमें नई चीज़ें बताइए
ये नहीं खाली बटवाल है, जैसे आदमी का स्वभाव होता है पहले ऐसे है, ये हमारी विरासत है, उसका जो है संवर्धन, उसको जो उसको जोड़ने का है। हम लोग शहरों में जगह जगह खड़े हैं, आज आप देखिए फैजाबाद से आए कई जगह से आए, एक जगह मिल रहे हैं, नहीं तो अपनी कॉलेज में रह रहे हैं, अकेले अकेले हैं जो और इनमें उत्साह है, उनमें उमंग है जो और देखते सर आज कैसे विचार मतलब किया आपने कि ऐसा पता भी होना चाहिए बोलेगा हम लोगों का बड़ा क्लियर विजन है वो ये है, एक तो अपनी संस्कृति और इसमें ये मिलन एक इम्पोर्टेंट बात है, उत्साह जो जितने भी हमारे पर्व त्यौहार मिलजुल संस्कृत करने के लिए बचाने के लिए अपनी भाषा को बचाने के लिए एक तो ये है, दूसरा ये सबसे आगे जनरेशन जो जनरेशन कर रहे हैं जुड़े जो जो समझते हैं और हम समझते हैं वो सब एक पट्टी सर मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड वासी हमें जो देखेंगे सब एक फोटो सेशन कर रहे हैं अभी ना। अच्छा जाना जा बात कला है बहुत सारी परंपरा में अपनी गाँव में खेल रहे हम अपने बच्चों से तो हमको चाहिए कि हम बात कम करें, काम के ऊपर ज्यादा तो आप विशेष के मकान में रखें कुछ करें तो समर्थ है एक दूसरे के तो एक ये पल है इसका ही नहीं बढ़ेगा इससे आपने अपनी जड़ों को जोड़ एक ये बहुत जो है ये दूसरा ये मानते हैं कि जो जो हमारे यहाँ प्रतिभाएं सपोर्ट करें जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं जो प्रतियोगिताओं में आ रहे हैं उनको आगे लाएं और आगे ला के जो आगे आने वाले हैं वो उनको देख के और उत्साहित होकर एक क्रम बना रहे हैं ये बहुत जरूरी है उनका आज के दिन में, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है आप धीरे धीरे दूसरे शहरों दूसरे जगह के लोग और दूसरे समुदायों के लोग वहाँ आ गए और एक प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई जगह खाली होती है तो वहाँ कोई ना कोई आएगा, अगर आप खेत में बोएंगे नहीं तो वहाँ घास कटवा होगा, तो ये शायद हमको थोड़ा लेट समझ में आ रहा है कि हमने काफ़ी गाँव छोड़ दिए नहीं गए वापस, तो अगर ये कानून आता है तो इस चीज़ को बल मिलता है सहेल के रख सकें, उसका सही उपयोग कर सकें और कानून बल कर सकता है। तो सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई हमें और हमें जानकारी मिली, आज ये होली का त्यौहार काफ़ी अच्छा तरीके से मनाया गया, जो फूलों से मनाया गया, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं और हमारे बटवाल परिवार हो या कोई भी परिवार हो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये फूलों से ही खेला जाए, रंगों से खेलो लेकिन रंगों से प्यार से खेलो, इसमें कोई लड़ाई ना जगह जिसमें सारे विरोध सुधा पर दूर करके और एकत्रित होकर कार्य करें। सर और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आप देख रहे हैं हम भी अब जो बाजार में जो रंग मिल रहे हैं कौन कौन से केमिकल हैं कुछ पता नहीं उसका क्या असर है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप जो रंग बिरंगे फूलों से प्रसन्न रहें समृद्ध रहें। थैंक यू सर, आपने हमें काफ़ी अच्छी दी, थैंक यू सर हम आज आपका सर आपने बहुत धन्यवाद आचरने में काफ़ी कुछ बताइए काफ़ी जानकारी मिली और एक अच्छा सा यहाँ पर लगा कि जिस तरह से मैं यहाँ आया था मेरे को लगा था कि यार ऐसी होगा कह रहे थे लेकिन यहाँ पर काफ़ी आने के बाद ही पता चला कि यहाँ पर सुपर प्रोग्राम हो रहा है भैया, मेरे को तो अच्छा लग रहा है मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही पहुँचा हूँ, ये नहीं बोलता कि देश प्रदेश में हूँ उत्तराखंड में पहुँच गया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि बटवाल परिवार में प्यार लेकिन लग नहीं है तो फ्री हाँ ये बहुत बढ़िया आ रहा परिवार भाई, और कोई रह गया आने वाला है तो एक ले लो छोटी सी फोटो ले लो। अच्छा एक चीज खो गई आप लोगों की,
क्या चीज़ है? वो मुस्कान है। लेकर आइए, कम कम हो जाएगा। हाँ देखिए सर, सामने देखिए, स्माइल प्लीज। बहुत चीज सुपर सर। देखिए इधर देखिए, दीदी इधर देखिए, ये दराजी आपकी दराजी, आप चलाइए, फिर बाद में वो आ जाएंगे, अपना दीजिए। आइए सामने सब, एक बार स्माइल कर दीजिए। अब चीज बोलना पड़ता है, क्या कह रहे हैं आजकल दांत दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत सो मच। परिवार बैठा हुआ है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है किस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और बर्तवाल परिवार पूरा साहब समक्ष बैठा हुआ है, और आज एक अच्छा मौका लग रहा है यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर चलते हैं, और भी कुछ और बहुत कार्यक्रम होने वाले हैं, और अपडेट पर अपडेट है, और हम चाहते हैं कि बर्तवाल से ऐसे जुड़े रहे और कैसे कार्य करता रहे। खाने का इंतजाम है, आप प्लीज आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक मौका जरूर दिया यहाँ आने का, और मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पर। अच्छा सही बोलता है, ये बात गिरी, अरे क्या बात है, आज लगता है सभी मेरा नाम जान चुके हैं, यूके पहाड़ी ब्लॉक का सभी जान चुके हैं, क्या बात है। बहुत शायद मेरे को खुशी है कि आप जैसे बड़े बुजुर्गों का मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, और यंग स्टार भी जल्दी इसमें जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के हिस्से ही हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने इतना मेरे, बहुत बड़ी बात है सर, ये मेरे सौभाग्य की बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पूरा है बर्ताल पर जो खाना खा रहे हैं, तो इनसे पूछा जा रहा है तो कैसा प्रोग्राम रहा, ये लोग भी अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं। खाने में खाते हैं, खाना खाते, आज खाने में क्या खाने वाले हो? अभी अभी सस्पेंस है थोड़ा सा है, अभी लाइन पे लगे हैं, तो जब लाइन पे उसे पहुँचेंगे तो खाएंगे। तो अभी लगे पड़े लाइन पे, और देखते किस प्रकार से यहाँ का भोजन बनाए, क्या क्या है और क्या क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या बात है। अरे वाह, सलाद दिया जा रहा है, चटनी दी जा रही है, किस चीज़ की चटनी बनाई वैसे? मैंने स्पेशल कोई गाँव की चटनी, क्या बता भाषा किस चीज की चटनी है? ये भंगोली की है, नहीं पता इनको, पता कोई इनको बात इनको पता नहीं, लेकिन खाना अच्छा बन रहा है, स्वादिष्ट जो भी है सभी लोग यहाँ ले रहे हैं। जिस प्रकार से दाल और मिक्स वेज है और चावल है, और ये गांव की ही दाल दी गई, और साथ में ये पहाड़ी खीर है, इसको तो सभी लोग जरूर खाना भी है। झुंगुरी खीर तो सभी खाना, इसको मत छोड़ना भी अच्छा, सब छोड़ दो आप, बेसक भंगोली की चटनी बना के आइए। ये बनाने वाले कौन है, कार्यकर्ता कौन है? ये आपने बाहर से, अच्छा चटनी आपने बनाई है, बाकी खाना खाना यही से खराब किया है, तो काफी अच्छा गढ़वाल हमसे खाना उन्होंने लिया, और बाकी चटनी और एक जोरे की बाकी वो सभी जरूर खाना, वो मिस मत करना, बाकी तो सब लोगों ने खा रखा है, लेकिन ये चीज बिल्कुल उसकी खीर तो जरूर खाएगा सर इंसान, ये नहीं छोड़ेगा, और एक चटनी नहीं छोड़ेगा, बाकी सब चीज छोड़ देगा तभी तक, क्योंकि उत्तराखंड को दो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर देखिए सब लोग एक सभी तरह से खाना खा रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से दे रहे हैं यहाँ पर, और अच्छा लगा इस तरह से लाइन से एक लगे हुए, तो कहते हैं प्रसाद का मजा लाइन में आता है। ये माता जी को इधर साइड से दे दो ना, इनको क्योंकि लगा रखा लाइन में भैया, इनकी इधर रक्षा लगा दे यार, इनको बड़े बुजुर्गों से साइड से कर दो ना, कोई नहीं यार समझे करो, इनको लाइन में मत लगाओ, आप उधर से ले लो, अरे दिला दो भाई साहब साइड से दे दो यार, तुम इनको माता जी को क्यों इनको लाइन में लगवा रहे हो यार? ये कह रहे हैं हमारी हड्डियाँ मजबूत है, हमने खा रखा है गाँव का घी, खैर से नहीं खाए तुम, कद्दू घी खाई है, भैंसा कह रहे हैं, भैंसा कह रहे हैं, तो चलो ठीक, अच्छी बात है, इसी तरह से लाइन में लगे, और हमें इसी से पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड में कितनी मजबूती है। देखो ये मजबूती यहाँ नजर आ रही है, हाँ तो देखिए सभी लोग खड़े यहाँ पर, और यहाँ पर सर कैसा लग रहा अभी आपको यहाँ पर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहले कि आप आए, और आपने जो है इस कार्यक्रम को एक अपने कैमरे के द्वारा भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, जो बर्तवाल कुटुंब का उद्देश्य है वो भी लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल सर, सभी लोग एक तरह से जो है उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा और संस्कार के ऊपर काम करते रहे। बिल्कुल, और ये मतलब जुड़ाव जो है बनता रह सकता है। ये जब तक आप हो तब तक ही आगे यंग लोग भी कुछ इसमें जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं भी जुड़ रहे हैं, तो हमारा जो प्रयास है, हम जो आगे कार्यक्रम करने वाले हैं उनमें हमारे जो एक स्थापना दिवस होता है, हम कैरियर गाइडेंस कोर्स कर रहे हैं, हम लोग मेधावी छात्रों का कार्यक्रम कर रहे हैं जहाँ हम उनको प्रोत्साहन पुरस्कार देते हैं, तो इस तरह के हम उनको जोड़ रहे हैं, और ये उनके लिए ही है, ये जो आज हमने इकट्ठे हुए ये आगे की पीढ़ी को उनको साथ जोड़ने के लिए है। अब ये कि हम लोगों का प्रयास रहेगा, जितने भी लोग हैं सबका प्रयास रहेगा कि हम अपने पीढ़ियों को भी इसमें जोड़ें। बहुत सारे काफी ये लोग थोड़ा सा खुश होकर जाएंगे कि इनको लगेगा हाँ ये अच्छा कार्य हो रहा है, तो जरूर ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल सर, वही हमारा कार्य। देखिए जी, जब तक आप ये कहते हैं जब तक जड़ मजबूत होगी ना, तो बेल तो अपना मैट्रोमेटिक सही होगी, तो आप जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक हमारे उत्तराखंड को चमकाते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और एक भोजन का आनंद ले रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, भोजन तो बढ़िया ना, कोई कमी तो नहीं है? अच्छा झुंगरी की खीर कब बाद में लेंगे आप अभी? सियाड़े खीर है तो यहाँ पर भाई बहुत चीज खिलाने वाले हैं, बाद में मिलेगी, पहले खाना खा रहे हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मजा आ रहा है जी। क्या क्या लिया आपने?
मजा आ गया। अरे अभी तो मजा ही लिया, अभी तो बहुत चीजें देखने को मिल रही, यहाँ पे काफी लोग खाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से अच्छा आपने नाचे नहीं नाचे बोले तो नाच के भी यार खाना खाए। हाँ देखो पहली बार देखो ऐसी चीजें भी मिलती है यहाँ पर है, इंजॉय भी करो साथ में खाना भी खाओ, घर का झंझट खत्म कर दिया आप लोग हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आए सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और घर का खाना यहाँ पर इनको इतना बेहतरीन मिल रहा है और यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है बिल्कुल हेल्थी है, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ दाल जो हमारी बहुत शानदार है, आलू मिक्स वेज बना रही है और सभी लोग यहाँ खाते नजर आ रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह से आप लोग जुड़े और ये मौका ऐसा ना छोड़े जैसे होली का त्यौहार यहाँ मनाया गया वैसे त्यौहार आप भी मनाएं। और फूलों से जो त्यौहार मनाया जाता है वो सबसे बढ़िया त्यौहार होता है और रंगों का भी होता है, ऐसी बात नहीं, रंगों से क्या है थोड़ा सा इंसान रंगीन हो जाता है और लेकिन फूलों से दिल से भी रंगीन हो जाता है कि नहीं, दिल से रंगीन हो जाता है। लेकिन फूलों से तो देखो रंगों से तो फेस ही हम रंग कर सकते हैं लेकिन दिल हमारा काल वैसे ही रह जाएगा, लेकिन फूलों से खेलेंगे तो फूलों के साथ हमारा दिल भी बना रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं और एक अच्छा इन्होंने प्रयास भी किया है, साथ साथ इन्जॉय के साथ साथ भोजन भी साथ में दिया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं आज। भाई आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या देखा, मस्ती की आपने, आपने खुद ही मस्ती कर ली, कितने फूल फेंके एक दूसरे के ऊपर है। भाई आपने क्या किया यहाँ पर, छोटू क्या किया आपने, कैसे फेंके फूल, गुस्से में फेंके या खुशी होके? हाँ ये पता चला असली ये बता रहा है। अभी तूने कैसे फेंके फूल, कितना गुस्सा आया था, बहुत था, ये एंग्री हो गया था, एंग्री में हो गया था तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ पे लोग खाना खाते खाने दीजिए क्योंकि डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा देखो खीरे खाते पकड़ के यहाँ पर खाते खाते, और जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक? ये यहाँ के भाई हमारे जितने भी उत्तराखंड वाले हैं जितने भी उनको बहुत प्यार देते हैं और जितने हैं सारी सेवा भी करते हैं और अच्छा लगता है ऐसे ही लोग यहाँ पर आए। और कैसा लगता है आपको यहाँ पर जब ये लोग उत्तराखंड वैसे आते हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कैसा लगता है अपने परिवार के लोग आगे? बिल्कुल बाजे गाजों के साथ आते हैं, बहुत मजा आता है। तो आप तो कभी नाचते नजर नहीं आते हो? मैं नहीं नाचता, नाचने नहीं आता, शर्म आती तो इंसान को शर्म ही खा जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, सर भी लगे पड़े हैं खाने में, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता हूँ नहीं तो सर कहेंगे यार कम से कम इस टाइम तो छोड़ दो मुझे तो सभी लोग यहाँ बैठे हैं उपस्थित और जितने उत्तराखंड क्षेत्रवासी और ये कैप्चर करने का ये माध्यम है कि आप सभी को दिखाना है कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति और सभ्यता को उजागर कर रहे हैं ये लोग। तो आप भी लोग जितने युवा लोग जुड़े इससे और इस संस्था के साथ या कोई भी संस्था के साथ जुड़े तो भारी संख्या में इस चीज़ का आनंद लें। तो होली ऐसी ही मनाएं जो कि आपको भी इसका मज़ा आए। तो थैंक यू सो मच सभी आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पे ऐसे कार्य करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। और सर यहाँ पर कुछ बिल्कुल सर हम आते हैं बिल्कुल, आप जब तक खाइए सर, इतना खतरा काटने के बाद आपके पहाड़ी उत्पाद का बिल्कुल सर झोरे की खीर का लुत्फ उठाएं और इसका क्या बटाणी का ये सब का आनंद लीजिए। बिल्कुल सर हम लेंगे, लिए आप लीजिए पहले, हम भी ले रहे हैं साथ साथ। तो सर भी बोले किसी की बता रहे सर आप, नहीं मैं कह रहा हूँ आप भी खाइए, बिल्कुल सर खाएंगे खाएंगे सर भी। तो आप सर हमारे ऐसे घूम रहे, पहले सर को बोलिए, भूमिका जो है ना उत्सव में बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए सर हम चाहते हैं कि हमारा जो हमेशा ऐसे त्यौहार मनाते रहे आप लोग, देखो जब तक आप हैं तब तक ये सब चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन भी इस चीज़ को सीखे। आप जैसे लोग जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं अपने ब्लॉग के द्वारा, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपके द्वारा ही ये प्रचार प्रसार हो रहा है। बिल्कुल सर हम चाहते हैं कि सर होता खत्म हो जाता किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल सर अभी एक माध्यम बहुत सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सर हम चाहते हैं कि ये चीज़ हर इंसान देखे कि भाई क्या चीज़ हो रहा है उत्तराखंड का, क्या नया नया हो रहा है। तो आप लोग के वजह से हमें भी थोड़ा बहुत कैप्चर करने को मिल जाता है, आपके साथ थैंक यू सो मच सर। निरंतर जो है इसी प्रकार प्रगति करते हैं, ऊपर उठते हैं, आपके सब्सक्राइबर खूब बढ़ते हैं, बस आपका लोग आशीर्वाद। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। आप खाना खाइए सर, क्योंकि खाना खाते कहीं कुछ चीज़ फोन हो जाए तो अच्छा मौसम है यहाँ पर। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, काफ़ी चीज़ हमने यहाँ कैप्चर की, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, एक मौसम अच्छा लगा था जिस तरह से होली का त्यौहार मनाया उन्होंने। और मेरे को लगा भाई मैं तो उत्तराखंड पहुँचा, क्योंकि उत्तराखंड में पहुँचा जरूरी है। और अब सभी लोगों को यहाँ पर एक प्रयास है उन्होंने कि अच्छा इसी तरीके से सभी लोग जुड़े और खाने का आनंद लें। ज़्यादा बातें करते हैं यहीं पर इसको एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, ओके बाय। ये देखिए कितना बेहतरीन खाना है जिसमें काफ़ी चीज़ें है, जिस मिक्स वेज है और सब दाल चावल है, हम भी खा रहे हैं यहाँ पर हमें। तो दोस्तों यहाँ पर खाना बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार है, खाते हैं और फिर करते हैं आगे बातें आपसे। और यहाँ लगे बड़े लोग बड़े, ठीक है।